देखिए, कक्षा 7वीं का गणित का सवाल दिया है। प्रश्नावली है आपका 10.3 और प्रश्न संख्या 1 है। इसमें बोल रहा, निर्देशानुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्रम संख्या 1 में यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य 420 रुपये। तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जो चीज हम दुकान से खरीदते हैं जिस कीमत पे, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य दूसरा में दिया है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य किसे कहते हैं? जो चीज हम जिस कीमत पे बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य 420 रुपये है और विक्रय मूल्य है 450 रुपये। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पे लाभ या हानि रुपए में बताना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य है 420 और विक्रय मूल्य है 450 रुपये। तो क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बड़ा है 420 रुपये से, तो इसको लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? तो क्या करेंगे, घटा देंगे इसको हम, 450 में 420 घटा देंगे, तो घटाने पे आएगा 30। ठीक है, तो इसको लाभ हो रहा 30 रुपए का। ठीक है, 30 रुपए का इसको लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है, तो इसको तो लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो 30 रुपए लाभ हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत इसका निकाल देंगे। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है, याद रखिएगा, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है ज्ञात करने का, लाभ बट्टे में क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बट्टे में क्रय मूल्य गुने 100। प्रतिशत ज्ञात करना है इसलिए 100 लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ कितने का है? 30 रुपए का हो रहा है, तो 30 लिख लेंगे। बट्टे में इसका क्रय मूल्य कितना दिया है? 420 रुपये, तो 420 रुपये लिख लेंगे बट्टा में। इसके बाद गुना 100 लिख देंगे, गुने 100। अब देखिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक है, बचा 30/42 और ये हो गया 10। ठीक है, तो इसको अगर हम कटा देंगे 2 से तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, ये हो जाएगा 15। ठीक है, फिर इसको हम कटाएंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 21। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 5 को 10 में गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 50, बट्टे में क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, 7 से हम भाग कर देंगे 50 में, 7 से 50 में भाग करेंगे, तो 7 × 28, 7 × 35 हो जाएगा 7 × 7 = 49। ठीक है, तो यहाँ पे 49 लिख देंगे, तो 10 में से 9 गया 1, 4 में से 4 गया, कट गया ये। ठीक है, तो 7.1/7, इसका लाभ परसेंट निकल कर आया 7.1/7%। ये हो गया आंसर, समझ में आ रहा ना? अब देखिए, 2 में यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य 700 रुपये और विक्रय मूल्य दिया है 679 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य जो है कम है। ठीक है, तो ऐसे में इसको क्या होगा? हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हानि ज्ञात करना है, कितने का हानि हो रहा है। तो क्रय मूल्य जब ज्यादा है तो क्रय मूल्य को पहले लिख लेंगे और घटा देंगे 679 में, यानी कि विक्रय मूल्य में घटा देंगे क्रय मूल्य को। तो 10 में से 9 गया 1, ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया 2, ये हो गया 6, 6 में से 6 गया 0, यानी कि 21। कितने का हानि हो रहा है इसको? 21 रुपये का। तो यहाँ पे लिख लेंगे हानि, 21 रुपये का हानि हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे लाभ या हानि प्रतिशत में बताना है, तो यहाँ पे तो हानि हो रहा है 21 रुपये का, तो यहाँ पे लिखेंगे हानि प्रतिशत। ठीक है, अब देखिए, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है इसको। ठीक है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तो हानि प्रतिशत का वही सूत्र होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हानि कितने का हो रहा है? 21 रुपये का, तो 21 लिख लेंगे, बट्टे में क्रय मूल्य को लिख लेंगे, क्रय मूल्य यहाँ पे है 700 रुपये, तो 7, फिर गुना का चिन्ह देकर
100 और लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए, 2 0 से 2 0 ये कट गया, ठीक है। अब ये 7 से 21 कट जाएगा, 7 3 के 21, 3 को 1 में गुना कर देंगे तो 3, तो यहाँ पे 3% इसको हानि होगा, हानि परसेंट इसका आया 3%। अब देखिए यहाँ पे 3 में दिया है, क्रय मूल्य है 300 रुपये, ठीक है, और विक्रय मूल्य है 324 रुपये। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा है, तो 300 रुपये का क्रय मूल्य और 324 रुपये दिया है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ हो रहा है, ठीक है। तो कितने का लाभ हो रहा है, तो 324 में से 300 घटा देंगे तो आएगा कितना, 24। तो 24 रुपये का यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे लाभ 24 रुपये, ठीक है। अब देखिए, जब लाभ हो रहा है तो अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें लाभ परसेंट निकालेंगे, तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत का सूत्र आपको यहाँ पे हम बता दिए हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुने 100, ठीक है। तो इसका लाभ दिया है 24 रुपये, तो 24 रुपये यहाँ पे लिख लेंगे 24, ठीक है, बटे में क्रय मूल्य इसका कितना दिया है 300 रुपये, तो यहाँ पे लिख लेंगे 300, इसके बाद गुने 100, परसेंट में ज्ञात करना है तो गुने 100 लिखेंगे, ठीक है। 2 0 से 2 0 ये कट गया, अब 3 से 24 में भाग दे देंगे तो आएगा 3 8 24 कट जाएगा, 8 को 1 में गुना कर देंगे तो 8 एकम 8, ये आ गया आपका 8%। तो इसका आ जाएगा लाभ परसेंट कितना, 8, यह आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे दिया है क्रय मूल्य 110 रुपये और यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है 88 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे 110 रुपये है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 88 रुपये है, तो इसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, ठीक है। तो कितने का हानि हो रहा है, तो 110 में घटा देंगे 88 रुपये को, तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है, और यहाँ पे बचा 0, यानी कि फिर 1 हासिल लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया 2, ठीक है, यानी कि इसको 22 रुपये का हानि हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हानि 22 रुपये, ठीक है, हानि हो रहा है 22 रुपये का। अब यहाँ पे परसेंट ज्ञात करना है, यानी प्रतिशत, तो यहाँ पे तो हानि हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हानि, हानि प्रतिशत, ठीक है। तो 22 इसका हो जाएगा 22 बट्टे में इसका कितना दिया है क्रय मूल्य 110, तो 110 लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद गुने 100, ये 0 से ये 0 कट गया, ठीक है। 11 से 22 में भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूना के 22, 2 को 10 में गुना कर देंगे तो 2 दहा में 20, यानी कि इसका आया 20%, हानि प्रतिशत इसका आया 20।